डिसाइड किया, ये बोल दिया जाए। थप्पड़ पड़ने के बाद उसने हंसना बंद कर दिया। हाथों पकड़े जाने के बाद उसका भाई रोने लगा। डिसाइड किया ये बोल दिया जाए। थप्पड़ पड़ने के बाद उसने हंसना बंद कर दिया, ये बोल दिया जाए। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसका भाई रोने लगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। महमूद हुसैन एग्जाम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग बोलते होंगे टॉर्चर होने के बाद उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का डिसाइड किया, ये बोल दी जाए। थप्पड़ पड़ने के बाद उसने हंसना बंद कर दिया, ये बोल दी जाए। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसका भाई रोने लगा, ये बोल दी जाए। कुछ भी ऐसे सेंटेंस जब भी आप लोग बोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं हैविंग बीन, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग करेंगे और इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलेंगे, बनाएंगे, चाहे बोलना पड़े, चाहे लिखना पड़े, चाहे कोई बोलता हो तो समझना पड़े। आप लोग ऐसे सेंटेंस इसके माध्यम से आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं इसका यूज़। तो हम लोग, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बोला तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप समझते हैं, देखा जाए तो हैविंग बीन बी थ्री प्लस सेंटेंस जैसा भी आपको होगा, हम पैसिव ऐसे बनाते हैं। देखा जाए तो अपमानित होकर वह रोने लगा, ठीक है। तो इसको सिंपल से बना देंगे हम लोग, हैविंग बीन इंसल्टेड He started crying, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी स्टार्टर का बना चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा कैसे यूज होता है स्टार्टिंग, जैसे आप लोग कैसे इसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बना हो जाएगा। दूसरा बोल दीजिए, जैसे थप्पड़ खाने के बाद वह अपने घर वापस चला गया, ये बोल दीजिए। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसने रोना स्टार्ट कर दिया, वह रोने लगा, ठीक है। ये बोल दी जाए हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड हिज ब्रदर started crying, ठीक है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसका भाई रोने लगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे बोल दी जाए, यह बोल दीजिए जैसे कि टॉर्चर होने के बाद उसकी बीवी ने उसे डिस्पोर्स देने का निश्चय किया, ठीक है, या डिसाइड किया, यह बोल दी जाए हैविंग Been slapped, थप्पड़ खाने के बाद he stopped laughing, उसने हंसना बंद कर दिया। थप्पड़ having been slapped, he stopped laughing, थप्पड़ खाने के बाद उसने हंसना बंद कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बोलेंगे। अब जैसे बोल दिया, कुछ ऐसे सेंटेंस भी सोचते होंगे, जैसे बोल दी जाए लैपटॉप बनने के बाद उसने उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया, ये बोल दी जाए मेरे दोस्त के थप्पड़ पड़ने के बाद या मेरे दोस्त पिटने के बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, ये बोल दी जाए। उसका घर बिकने के बाद उसने दूसरा घर खरीद लिया, ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ये बोल दी जाए। कुछ भी ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो आपको इस वीडियो में कुछ अलग सीखने को मिला है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर जो आप नए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसको वहाँ तक जरूर पहुँचाइए जिसको इस तरह की वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हम नया टेलीग्राम इंग्लिश मिशन इंग्लिश
बाय अनिल के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पड़ा हुआ है। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले वहीं पे शेयर करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।